फोटोग्राफर ने कहा था कि किसी ने उसे एडवांस भेजा था और वो ये फोटोग्राफ्स अहमदाबाद के किसी पोस्ट बॉक्स नंबर के पते पर भेजता था। मेरा हो सकता है उसने तुमसे झूठ बोल दिया हो। जब वो मेरे पास आया था तो वो हाथ पैर जोड़ रहा था, उसने खुद मुझे ये फोटोग्राफ्स दिए, वो इतना डर गया था। रणदीप, आई एम श्योर उसे इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं है। लेकिन सोनाली की जिंदगी में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो बेचारी पहले से इतनी सहमी सहमी रहती है, आई होप उस पर और कोई मुसीबत नहीं आएगी। किरण, हम सोनाली को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी सोनाली या मेरी मम्मी को इन फोटोज के बारे में कुछ नहीं बताएगा। डू वी ऑल अग्री? ऑफ कोर्स। मैं देखता हूँ कि सोनाली क्या कर रही है, और वैसे भी तुम लोगों के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, राइट? आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, आई होप मैं लेट नहीं हो जाऊं। चलो बाय बाय। बाय बाय। और तुम घर पर बैठकर क्या करोगी? चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें घुमा लाता हूं। नहीं, मैं ठीक हूं। अनु, कम ऑन, थोड़ी सी ताजी हवा, बाहर की चहल पहल, एंड द नेवर डाइंग स्पिरिट ऑफ बॉम्बे, यू विल फील बेटर। कम, लेट्स गो। कम ऑन। ओके, हेलो, हु इज कॉलिंग? वन मिनट। अनु, रविशा, अनु घर पे नहीं है। या किसे फोन कर रहे थे? अनु को। एजेंसी में कितनी लड़कियां आईं, कितनी गईं, इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है? वो लड़की बहुत स्पेशल है, उसने इतने कम वक्त में जो किया लोग सालों तक नहीं कर पाते। वो तो मैं देख रही हूँ, उसने वो कर दिया जो इतने सालों मैंने होने नहीं दिया था। सुमित्रा प्लीज, लोगों की जिंदगियों से खिलौनों की तरह खेलना बंद कर दो, और अपनी उस बहन माया को भी समझा दो। उसे इससे बाहर रखो, माया मेरी बहन है, वो जो कुछ करती है मेरी खुशी के लिए करती है। और ये सब करके तुम खुश हो? मेरी जिंदगी इस कुर्सी तक ही सीमित रह गई है। सारा दिन मैं घर पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास तुम्हारे सिवाय और है ही क्या? और मेरे पास? तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कंपनी है, पैसा है, नाम है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और वो है जिसके कारण ये सब कुछ तुम्हारे पास है, हमारी शादी। शादी? सुमित्रा, शादी के 7 सालों में मैंने तुम्हें दवाइयां खिलाने और तुम्हारा ख्याल रखने के अलावा किया ही क्या है? इन 7 सालों में हमने 7 घंटे बात नहीं की होगी। पति पत्नी तो दूर, हम तो दोस्त भी नहीं बन पाए। और इसकी वजह सिर्फ मेरी बीमारी नहीं है। खैर, मैं तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा रही हूं, ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं रवि, लेकिन हाँ, जो मेरे पास है वो मेरा है, और अगर उस पर किसी ने नजर डाली तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूं। रवि, अगर तुम चाहो तो उस लड़की को ऑफिस में वापस बुला सकते हो, लेकिन मेरी शर्तों पर। रवि, मैं इस कुर्सी पर बैठकर दरवाजे पर टकटकी लगाकर तुम्हारा इंतजार करती हूं, जो मैं समझती हूं कि वो मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार है, और मैं उसे खोना नहीं चाहूंगी। सुमित्रा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस शादी के बंधन में हम दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। और वो लड़की अनु, उसकी चिंता तुम मत करो, अब वो मेरे पास नहीं आएगी और ना ही मैं उसे बुलाऊंगा। इस तरफ
वेरी गुड शेखर, ये कहाँ जा रहे, क्या गेम खेल रहे हो तुम, ये निकालो ना प्लीज। चुपचाप तेरे साथ चलो, कोई सवाल नहीं। शाबाश शेखर, बट भरोसा नहीं मुझ पे, है ना? चलो फिर, वेरी गुड, सीधा सीधा, शाबाश, चलो चलो, देयर यू आर। शेखर इसे खोलो ना। एक मिनट। शेखर ये किसका घर है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? किरण, तुम ऐसे ही घर का सपना देखती थी? हाँ मगर हम, देखो मैंने सब प्लान कर लिया, कम इतनी। अच्छा जी, हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर हम अपना बेड रखेंगे और वहां उस कोने में टीवी, ताकि तुम यहाँ आराम से लेटकर टीवी देख सको। और यहाँ पे कर्टन का डिजाइन तुम फाइनल करोगे, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। कम है, इस खिड़की के पास कितनी अच्छी हवा, यहां तुम खड़े होकर मेरा इंतजार करोगे। मैं अचानक पीछे से आकर तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूंगा और कहूंगा, डार्लिंग आई लव यू। क्या हुआ शेखर, ये जो सब सपने तुम दिखा रहे हो, ये घर, ये सब चीजें, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? क्यों भूल गई, तुम एक फिल्म की हीरोइन हो और बहुत जल्दी स्टार बनोगी, फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे आएंगे। और वन मोर थिंग, वहां पर ना यहां पे दीवार पर हम मार्जिन रखेंगे और यहां पर हम सोफा रखेंगे, यहां पे सम चेयर्स और दीवारों पे रणदीप भैया, शो तो खत्म हो गया। अरे सोनाली, हम शो थोड़ी देखने आए हैं। हम शो देखने नहीं आए? नहीं, हम चेतन त्रिवेदी से मिलने आए हैं। कभी नाम सुना है उनका? हाँ, वो क्रिकेटर है ना जो? चेतन त्रिवेदी किसी क्रिकेटर का नाम नहीं है, चेतन त्रिवेदी संगीत के गुरु हैं, गुरु। रणदीप भैया, पता है कितने नए सिंगर्स को प्रमोट करते हैं वो? सच में? हाँ। तो चलो ना, ढूंढते ना उनको। भाई साहब सुनिए, आपने चेतन त्रिवेदी को कहीं पर देखा है? ये क्या कर रही हो तुम? भैया आप चले जाओ, क्या कर रही हो तुम? तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं ऑफिस जाके चेक करके आता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। सोनाली, सोनाली, अरे चेतन भाई, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। ये है सोनाली, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वे जितना बताया था कम बताया था। लड़की, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा। कब? कब मतलब? मतलब स्टार कब बनाएंगे आप? देखो, ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, हैव लिटिल पेशेंस। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता, और जिंदगी में कभी भी डेस्परेट मत होना। सर, अगर मेरे में पेशेंस होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। और फिर वो डेस्परेशन ही तो है जो मुझे यहाँ आपके सामने लेकर आया, जहाँ आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे बड़ी आग छिपी है लड़की, इस आग को कभी बुझने मत देना। मैं तुम्हें सिंगर बनाऊंगा और तुम्हारी ये आग तुम्हें स्टार बनाएगी।
बहुत बिजी हो? 10 मिनट बोलो। इस नेल पॉलिश का रंग कुछ सूट नहीं कर रहा तुम पर। क्यों? बहुत भड़कीला और अनयूजुअल सा है। ऐसी ही मैं भी हूँ, बहुत जल्दी भड़क जाती हूँ और सबसे हटकर काम भी करती हूँ। बोलो क्या काम था? तुम्हारे दो पहले असाइनमेंट्स, दो स्टोरीज कवर करनी है तुम्हें। एक तो बॉम्बे में बढ़ते ट्रैफिक की प्रॉब्लम और दूसरी ग्रीनरी कम होती जा रही है, मतलब पेड़ कटने की प्रॉब्लम, और तीसरी। अक्षय ये दोनों टॉपिक्स कितने बोरिंग है, ट्रैफिक ग्रीनरी। लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग। लाइक व्हाट? लाइक फिल्म स्टार्स। लेट्स डू अ स्टोरी अबाउट फिल्म स्टार्स। इनके बारे में तो छपता रहता है। टेल मी समथिंग न्यू। लिसन, वी डू समथिंग डिफरेंट। हम इनके घर के बारे में, इनकी पर्सनल चीजों के बारे में जो आज तक नहीं छपा है, जो किसी को पता नहीं है, ऐसा मटेरियल छापेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके डन। दो दिन में 4 फिल्म स्टार्स की स्टोरीज कवर करनी है तुम्हें। गुड लक। दो दिन? मैं इनसे मिलूंगी कैसे? भाई आपको हटकर काम करने का शौक जो है, अब करिए। मैं कर लूंगी, मगर 7 दिन में। 2 दिन 4 फिल्म स्टार्स कर पाओगी? ऑफ कोर्स कर पाऊंगी। यू गॉट इट। 4 स्टोरीज 2 दिन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप कुछ डरी होंगी? नहीं, मैं डरी नहीं हूं, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही? मैं शायद ये कि अगले महीने का किराया कहाँ से दोगी? जी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। मैं तुम्हें मधुबाला का लुक दूंगा। मधुबाला करली हेयर, रिमेम्बर साइड में मुगले आजम देखी है? जी। कितनी खूबसूरत थी मधुबाला। सी यू डोंट रिजेंबल हर बट कहीं कुछ कॉमन है, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग आउट दैट कुछ ऑन द स्क्रीन। मतलब आप मुझे रोल दे रहे हैं? दे दिया, इट्स योर्स। यू आर द लीडिंग लेडी ऑफ माय नेक्स्ट मूवी। पर कोई स्क्रीन टेस्ट या? नो, फैसला हो गया है। थैंक्स अनु, शायद तुम्हें जल्दी कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ सकता हूँ मैं, इतना सब एक साथ। पर मैं ये जानता हूँ कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। कहना सुनना आसान होता है रणदीप, कभी कभी इंतजार करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। शायद तुम सच कह रहे हो, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ मीरा का। रणदीप, विशाल ने मीरा के साथ जो भी किया है उसे भुलाने में बहुत वक्त लग सकता है। मैंने कहा ना, मैं इंतजार करूंगा। अनु, मैं चाहता हूँ कि मीरा जब प्यार और जिंदगी की तरफ वापस कदम मोड़े तो वो मेरे पास आए। हाय अनु। हाय, हाउ आर यू? हाय मीरा। हाय। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, पता है मेरे ऑफिस में एक लड़का है अक्षय, ही इज सो फनी। उसे बात करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हैं। स्ट्रेंज ना? ऐसा ही होता है जब किसी के साथ रैपो बन जाती है ना, तो फिर ऐसा ही लगता है। मेरे साथ भी ऑफिस में ऐसा ही हुआ था। आई लव माई जॉब,
इतना मजा कभी नहीं आया। कैसी लग रही हो? मस्त लग रही हो ना? मस्त मस्त। मैडम मस्त, तुम इतने मस्त मस्त मूड में क्यों हो? रणदीप भैया से पूछो, इन्होंने मुझे एक मस्त ब्यूटी पार्लर में भेजा। थैंक यू रणदीप भैया, ये देखो ना, मैनिक्योर पेडिक्योर और ये हेयर वॉश। तुम इतनी अच्छी और अनकॉम्प्लिकेटेड हो सोनाली, मैं क्या, तुम्हारी हेल्प तो हर कोई करना चाहेगा। शेखर, एक खुशखबरी है। किरण, तुम दिन भर कहाँ थी? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया। मैं एक प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, उसने अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन ले लिया है। प्रोड्यूसर से मिलने, मुझे बताए बिना? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ओके, कौन है वो? तुम शायद जानते हो, इज वेरी फेमस, समर गुप्ता। हाँ, नाम तो सुना है, पर वो तुम्हें मिला कहाँ? वो एक दिन मेरी शूटिंग में आया था, उसने मेरी एक्टिंग देखी थी। और वो तुम्हारा पुराना प्रोड्यूसर बजोरा, उसकी फिल्म का क्या होगा? वो फिल्म मैंने छोड़ दी शेखर। किरण, लेकिन उस बेचारे का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं शेखर, समर गुप्ता और बजोरा अच्छे दोस्त हैं, उनकी आपस में बात हो गई है। तुम कहती हो तो ठीक है, कितनी अजीब सी बात है ना। कुछ दिन पहले तक काम नहीं था और अब लोग तुम्हें सामने से अप्रोच कर रहे हैं। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत। तो मैं भी खुश हूँ। कब मिलोगे मुझे? जल्दी, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय। समर गुप्ता। किरण, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम फिर परेशान हो क्यों? मैंने सब सुन लिया है भाई। अगर तुम्हें बड़ी फिल्म मिल गई है और उसके वजह से तुम्हें छोटी फिल्म छोड़नी पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यस, यू आर राइट। अनु, किरण ने नई फिल्म साइन की है, बड़ी फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण। थैंक्स। अनु, आगे तुमने क्या सोचा है फिर? हेलो। हेलो अनु। हाँ कमल। कमल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बताओ, काम कैसे चल रहा है? नहीं, वो नौकरी मैंने छोड़ दी। मम्मी पापा को नहीं बताना कमल, प्लीज। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने, वापस आने वाली हो? नहीं, वापस तो नहीं आऊंगी, यही कुछ करूंगी। ठीक है, देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। जानती हूँ तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। I'm missing you, Anu. I'm missing you too. Bye. Bye. Anu, कमल तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम ठीक कहती हो मीरा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मैंने बॉम्बे आकर उसे बहुत इग्नोर किया है। मुझे ये सुधारना होगा। अब तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो अनु, रविशा के बारे में सोचना ही गलत है। After all, he's a married man. किरण, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमेशा मुझे लेक्चर देने के लिए तैयार रहती हो? मैं जानती हूँ he's a married man. तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना पसंद करूंगी? अनु, पर रविशा का तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर है। ये तुम्हारी गलत फहमी है किरण। आई एम कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ माई फीलिंग्स। तुमने मुझे समझा क्या है किरण? ये क्या है, क्या है ये? कौन कर रहा है मेरी जासूसी? ये देखो, कौन कर रहा है तुम में से मेरी जासूसी? कौन? बोलो, कौन? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? क्या है ये, क्या है ये? ये देखो, क्या है ये? कौन कर रहा है ये? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? What have I done? तुम लोगों से कुछ मांगा है मैंने? मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हें कुछ भी कहा है मैंने? तो ये क्या है, ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है ये? अपनी लत पर हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे को जिंदा रहने दो, प्लीज मुझे को मरना नहीं है, प्लीज मुझे को मरना नहीं है, प्लीज।
हूँ।